वक्त की बड़ी खबर लुधियाना से आ रही है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता अमित अरोड़ा है, इन पर जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमला करने वाला कोई अज्ञात है, इसका अभी पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि 2012 में भी आतंकी हमला हुआ था अरोड़ा पर, उस वक्त पुलिस ने इनको खुद झूठा करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जब एनआईए के पास ये सारा मामला गया तो एनआईए ने इनको बरी कर दिया। फिर आज अमित अरोड़ा पर हमला हुआ है, हमलावर कौन है, आतंकी है, क्या है, ये पूरे मामले की जो जांच है पुलिस कमिश्नर खुद कर रहे हैं। देखना होगा कि ये मामला कब तक शॉर्ट आउट होता है और ये क्या है पूरा मामला। साढ़े सात बजे अपने ऑफिस के बैठा होया सीगा, फोन ते अपनी गल्लां कर रहा सी मोबाइल से बैठ के, एक जोर दा ब्लास्ट हुंदा वा, धमाका हुंदा वा। मेरा गनमैन मेरे नाल बैठा होया सीगा परली सीट ते मुंडे जदों अंदरों आंदे है, मुंडे जदों अंदरों अंदर भजदे आंदे है, कहिंदे भाई एंडेवर ते कोई चीज लगी। जदों एंडेवर दे विच कोई चीज लगी देख 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 दसदे आ मुंडा, मेरा गनमैन बाहर भजदा जांदा, उस च देखदा सुराख देखदा, एकदम सानूं दसदा भाई ये की होया। तो जो मुंडे चैक करते वेरीफाई करते नाल ही गोली जां पिछे पिया मिलता खोल अपना की कहते गोली मिलती पई, तो ना ही असं मैं उस टाइम सीपी सानू फोन मारता, उस टाइम मैं दसदा वा सारा कुछ, पर फिर मैं 112 नंबर से कॉल करता वा। यह हमला मेरे से पहला भी हो चुका वा, 3 फरवरी 2016 में मेरे से अत्तवादी हमला होया सीगा। सरकारां बिल्कुल सो चुकी हैं, हिंदू लीडरां नू सरकारां मरवाना चाहनी है, ये कोई पहला हमला नहीं है। गुरदासपुर के विच भी गुरदासपुर जो हूँ पिछले हमला होया वा, क्या सरकार कैप्टन सरकार सो रही है? मैं ये चीज़ की शर्म नहीं, ये चीज़ की शर्म नहीं आती कि क्या की हो रहा है हिंदुस्तान पंजाब च रह के, शरेआम अत्तवाद पनाह कर रहा वै। मैं अपने सोफे पर बैठा हुआ जी, फोन पर गल कर रहा है, बिल्कुल सामने निशाना मनाया जाता वै। एंडेवर के मोर दिखा वा, सैर तुम खोल मिलता वै, बिल्कुल सामने टारगेट निशाना मनाया जाता कत्ते जाते। हाँ जी नहीं हजे नहीं कुछ पता नहीं लगा, अभी दफ्तर बैठे जी अपनी, नहीं कैमरे भी कुछ नहीं देखा जी, कैमरे वेरीफाई कर रहे हैं, पर कैमरे सब कुछ रिकॉर्डिंग सब कुछ है, कैमरे चल रहे थे। हाँ जी गनमैन मेरे नाल सीगा। मैं जी साड़ी ये मंग है, सरकारां सो रही वै, क्या सरकारां सानू मरवाना चाहदियां वै? ये मेरे तो दूजा हमला होया जी, क्या सरकारां नू पता नहीं है कि हिंदू लीडरां दे किद्दां टारगेट हो रहे हैं? सरकारां बिल्कुल निकम्मियां हो चुके, कैप्टन साहब नू पहली गल शर्म आनी चाहिए है कि कैप्टन साहब जाके सो रहे ने, अयाशी कर रहे ने, जागो क्योंकि तुसीं हिंदू नू मरवाना चाहते हो, क्या हिंदू का टारगेट हो रहा हर वारी? क्या मैं बैठा मेरा दूजी वारी हमला हुंदा वै? अजे पिछले हफ्ते की गल मैं तुहानू वाकई दसदा, मैं पिछले हफ्ते ना मैनू धमकी आईआं लोकल नंबर तो मैंने धमकियां आईया, उदो मैं स्पैशल दसदा वा, उपर डी साहब नंबर पाना वा, सीपी साहब नंबर पाना वा, सारा कुछ मैटर दसदा वा कि सर इदा इदा होया जी, इदा इदा जो सारा मैटर दसदा। पुलिस बंदे ट्रेस कर रही, दो खालिस्तानी आई डी हुंदी है कट्टर साहब, मैं कहा तू मैनू गाला क्यों कड्डियां, मैं पता रिकॉर्डिंग नहीं खाना, उस रिकॉर्डिंग में कोई हैगी है? तो पुलिस ने मोबाइल भी सेव कंप्लेन भेजा होया वै। मैं ही मांग करदा कि जी बंदी कार्रवाई जी हो, जो बंदा वो बंदी कार्रवाई ने कि हमला होया साढ़े ते, जल्दी बंदे ट्रेस किए जाए जी, क्योंकि मैं बिल्कुल जी मैं इस बार चुप नहीं रहूंगा, जिमें पहला पुलिस ने किया, मैं चुप नहीं रहूंगा इस बार, देखो अंदोलन करूंगा पर जो मर्जी जो धक्का मैं सहन नहीं करूंगा। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि अमित अरोड़ा जी का जो ऑफिस में ये बैठे हुए थे, तो इनकी जो गाड़ियां कार बाजार का काम है, कार बाजार में इनके दुकान के आगे 8-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो इनके जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे थे उन्होंने कोई आवाज़ सुनी थी, और उन्होंने जब देखा तो एक गाड़ी के ऊपर कोई निशान था। तो कल सुबह हमने मोहाली से जो फॉरेंसिक की एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन करके बताएंगे कि ये जो निशान है वो किस तरीके का है, कहाँ से किस एंगल से गोली चली है या क्या है, उसके बाद सारा मामला क्लियर होगा। सर पहला भी इन्हों पे हमला हुआ था, एक बार पहला भी हमला हुआ था, उस भी इन्हों पे मामला दर्ज हो गया था इन्हों पे। उसमें जो जो पुराने इंसिडेंट्स हैं उसके बेस पे हम लोगों को सिक्योरिटी दी हुई है, जो कि हम लोग और मजबूत कर रहे हैं, और जो FSL की रिपोर्ट के बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। सीसीटीवी में जांच पता चला है कि कितने बजे गोली चली? इसमें हम लोग CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं।